procedió ta वो जरूर थोड़ा ऐसा था कि हमारे बच्चों ने हमें इतना डरा दिया था ने तो खास कर। कभी कभी जाते हैं ये भी चिड़ गए थे लेकिन नहीं आप ध्यान से वो वीडियोस देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग ने एंट्री फ्राइट में करी या जो भी लेकिन हमें हर पल लगा कि अरे ये सब तो हमारा दिखा हुआ है तो हेलो एंड वेलकम बैक टू गई चैनल मैं इंडियन गर्ल इन यूरोप और ये है मेरे मॉम डैड इंडियन गर्ल इन यूरोप के मॉम डैड तो टाइटल देख के आपको जैसा पता चल रहा है कि मैं आज आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपने मॉम डैड का इंडिया टू जर्मनी का सफर तो हम कुछ वीजा प्रोसेस है वो भी आप लोगों को बताएंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेन जानने की बात ये है कि ये लोग पहली बार जो है वो फॉरेन में ट्रेवल कर रहे थे और फॉरेन में भी जर्मनी जो है वो कंट्री बहुत डिफरेंट है यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है यहाँ की सारी ही चीजें डिफरेंट है प्लस यूरोप है तो इस वजह से मैंने सोचा कि हर एक पेरेंट्स जो यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए मेरे मॉम डैड का एक्सपीरियंस जो है वो फायदेमंद रहेगा और अगर आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो या लग रहा है अरे यार हम कैसे करेंगे तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं चलो फिर पापा और मम्मी सबसे पहले तो मैं इन लोगों को ये बता देती हूँ इंट्रोडक्शन uh, की तो क्या बात है पापा मम्मी है ऑफ कोर्स पापा मम्मी है पर uh, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ पापा मम्मी ने अकेले बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है इंडिया में सब कुछ उनको पता है ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो है वो नहीं पता है तो ये एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर पहले से ही बता देती हूँ तो पापा सबसे पहले अपन वीजा प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले वीजा प्रोसेस थी तो इन लोगों की वीजा प्रोसेस जो थी हम लोगों ने गोवा में बुक करी थी क्योंकि गोवा में जो अपॉइंटमेंट है वो सबसे पहले मिला था तो आप ये बताओ कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस था मतलब आप एक बार जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए उसके बाद ईजी था या नहीं था सुरभि जैसा तुमने बोला कि सही हमने इंडिया में सभी जगह घूमी और विदेश यात्रा अपने आप में एक सपना भी होता है कि हमें विदेशों में घूमना है ये विदेश यात्रा जिसे मैं ये मानूँ कि तुम्हारी वजह संभव हुई है बिल्कुल आसान रहा मैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट को भी धन्यवाद दूंगा कि जो प्रोसेस उन्होंने लागू किया है इतना आसान कि पता भी नहीं पड़ा कि हमने कब बीजा कार्रवाई पूरी की कब फ्लाइट में सफ़र किया कब जर्मनी आ गए और इन सारी चीज़ों में यदि मैं पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखूँगा तो बीजेप प्रोसेज में हमने ये देखा कि सभी लोगों ने हेल्प की वहाँ पे मतलब स्थिति ये बन गई कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा बिल्कुल पूरा हिंदी में बात करना हिंदी में आपसे सवाल जवाब करना और बहुत आसान से तरीके से हमारा बीजा कंप्लीट हुआ पणजी में पणजी में हमारा बीजा था इसके बाद का प्रोसेस जो था वो जरूर थोड़ा ऐसा था कि हमारे बच्चों ने हमें इतना डरा दिया था सुरवी ने तो खास कर डरा दिया चलो अपन वो एक बार आते हैं पहले मैं मम्मी से सुनना चाहूंगी कि क्योंकि पापा ने ऑफ कोर्स पापा जो है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है तो कभी कभी क्या होता है सिर्फ मॉम जो है उन्हें भी ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पर आ, मतलब सिर्फ मम्मी हो सकता है कभी पापा साथ में ना आए क्योंकि उनको काम होता है तो आप ये बताओ कि आपके लिए अगर आप आपको अकेला जाना पड़ता तो आपके लिए इजी होता कि आपको डिफ़िकल्ट होता अगर पापा आपके साथ वहाँ पर सारी प्रोसेस में साथ नहीं होते वीज़ा प्रोसेस में यदि अभी फ़र्स्ट टाइम हम लोग साथ में जैसा कि बच्चों ने हमें बहुत डरा के रखा था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी साथ आए वो प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल नहीं आई और अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि यदि मुझे अकेला आना पड़ेगा तो नेचुरली मैं बिल्कुल आज आ पाऊंगी आराम से हाँ चलो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे इन लोगों का हमने स्वागत भी करा है तो वो भी ज़रूर वीडियो देखना अब आते हैं पापा जो आप बोल रहे थे कि हम लोगों ने बहुत डरा दिया था तो पहले मैं इसलिए मैंने रोका था पापा को मैं बता देती हूँ मैंने हम लोगों का डराने का मकसद नहीं था हम लोगों को पापा को ये बताना था कि आप ये वीडियोज़ देखो और ये ये चीज़ें होगी मतलब आपका जो आप एक बार एयरपोर्ट पे अंदर घुसोगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती है तो उसके लिए हमने इनको वीडियोस भेजे थे इनको सारा कुछ बताया था एयरपोर्ट पे कैसा होता है गेट्स कैसे होते हैं तो वो एक्चुअली डराना नहीं था वो ये था कि इनको लास्ट मोमेंट पे सरप्राइजेस ना मिले पर हाँ पापा आप बताओ कि जब हम ये सब बोल रहे थे मतलब आठ दिन दस दिन तक कि ये करना है ये करना है तो आपको कैसा लग रहा था हाँ मैं यही बताना चाह रहा था कि सही माने में ऐसा लगा था कि ये होगा ये होगा ये होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मात्र एक पासपोर्ट और साथ में यहाँ यहाँ का तुम्हारा अपना एड्रेस इसके आधार पे वहाँ सारे लोगों का सहयोग रहा पूरे हिंदी में बात करते थे बहुत आराम से उन्होंने पेपर देखा एक एक मिनट में सारे कामों को निपटाया वहाँ का इमिग्रेशन जो भी था वो जल्दी से निपटा हमें गेट पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई अंदर भी हिंदी बोलने वाले सारे लोग थे हमें बिल्कुल कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ आने की बात करते हैं हम जर्मनी की तो जर्मनी आने के बाद भी जो एयरपोर्ट था वहाँ भी हमने ये देखा कि सारे लोग पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हुए थे और जैसे ही हम जो भी डॉक्यूमेंट लेके आगे बढ़ते थे हमें उसका पूरा पूरा वो बड़े ध्यान सुनते थे हमारी बात को उन्होंने कुछ सवाल किया हमने जवाब दिया अगर उनको समझ आ रहा है तो ठीक है नहीं तो डॉक्यूमेंट देख के समझ जाते थे और हमें वो प्रोसेस से आगे बढ़ा देते थे तो ये तो हमारा अपना अनुभव है तो ये आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जब इमिग्रेशन में आप वहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कुछ गिनती के तो वो लैंग्वेज कौन सी थी कौन से लैंग्वेज में पूछे थे कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज जर्मनी थी यहाँ की जो भाषा है वो ही थी लेकिन उनकी बात हमें समझ आ रही थी क्योंकि तुम लोगों ने हमें बता भी दिया था कि ये ये सवाल हो सकते हैं तो उनकी बात हमें समझ आ गई थी उनका पूछना था कि आप यहाँ किसके किस, के पास, किस, आ किस, के, किस के पास आ रहे हो किसके पास आ रहे हैं तो मैंने बताया अपनी बेटी और अपने दामाद के पास उन्होंने वो पेपर देखा पासपोर्ट देखा और वहां पर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं करी कुछ भी कुछ भी नहीं, नहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मम्मी का जरूर थोड़ा सा वो लिया था क्या फिंगरप्रिंट्स अच्छा दो फिंगरप्रिंट्स लिए थे अच्छा बाकी क्वेश्चन पापा से किया था अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब मैं फिर से आ जाती हूँ इंडिया से जब आप लोग अंदर मतलब कर रहे थे चेक इन कर रहे थे है ना हुँ। तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कुछ डिफरेंट या ऐसा लगा अरे यार ये जो था ये नहीं कर पाएंगे हम अगर हमारे बच्चों ने हमें नहीं बताया होता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जो चेक इन प्रोसेस है क्योंकि जनरली चेक इन प्रोसेस जो बाहर जब आप फॉरेन जाते हो तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती है जब इंडिया के इंडिया ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा ईजी होता है तो आपको लगा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मतलब ये हालत है कि यदि हमारा बेग था तो बैग निकलने में कोई वो नहीं हमें अपना गेट पता करने में कोई नहीं मतलब हमें इनऑल वहाँ पे ऐसा लगा कि हम जैसे कहेंगे सिटी बस में यात्रा करने के लिए अपना दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं तो, तो इसके अलावा हमें कोई तकलीफ नहीं गई और ख़ास जो लगा जो मन को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जिस प्लेन में हमें जगह दी थी वो इतनी आरामदायक थी कि हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं गई बात करने वाले हिंदी वाले थे क्योंकि सारे इंडियन लोग ही उसमें नजर आ रहे थे तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि पापा और मम्मी का हम लोगों ने जो टिकट है वो डायरेक्टली जर्मनी का किया था तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है तो हमने डायरेक्टली किया था ताकि क्योंकि पहली बार आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते थे कि बीच में कोई हॉल्ट हो अगर बीच में कोई भी स्टॉप होता तो शायद थोड़ा दिक्कत आ सकता था तो सबसे पहली बार में हमने यही कोशिश करी कि वो डायरेक्टली यहाँ पर आए पहली बात हमने ध्यान में रखी दूसरी बात इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि इतने और इतना वेट जो है आप लोग रेडी करके रखना क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप वहाँ जाते हो और आपका वेट जो है मतलब बैग्स का जो वेट है वो ज़्यादा निकलता है तो परेशानी होती है कि कहाँ पर रखें या तो आप उनको पैसे पे करो एक्स्ट्रा बैगेज के या फिर आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा तो ये सारी जो चीज़ें थी आई थिंक आपके भी बच्चों ने आपको बताई होगी अगर वो लोग आप लोग आ रहे हो तो पर हाँ ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही ध्यान में रखी ताकि इनकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो पाए तो अब हम देखते हैं कि फ्लाइट में क्योंकि यहाँ पर मतलब ये लोग ने ट्रैवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट जो कि एट आवर्स लगभग की जर्नी और आठ घंटे फ्लाइट में बैठना मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है तो इनसे पूछते हैं कि फ्लाइट में जो था आप लोगों का कैसा लगा क्या कैसा लगा आपको कि आठ घंटे तक बैठे हुए हैं सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती तो बताओ आप नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें हमें जैसा कि ए, हमारी बेटी ने बताया था कि ये प्रॉब्लम्स आएगी कि आठ साढ़े आठ घंटे लगातार आपको करना है तो जब बेल्ट खुले तो आप घूमना ये करना लेकिन नहीं हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई इतनी इजीली हम लोग ने दो पिक्चर देखी एयर हॉस्टर्स भी बहुत फ्रेंडली सब बहुत अच्छे से हिंदी में भी बात कर रहे थे और जो ज़रूरत थी वो दूसरा टॉयलेट वगैरह की भी हमें थोड़ा सा डाउट्स थे लेकिन वहाँ पर भी गए तो मतलब ये कहिए कि हाँ हाँ हम रेडी हो चुके हैं आगे कभी भी हमें फिर मौका मिलेगा तो अब हमारे मन से डर बिल्कुल निकल चुका है और एक और चीज़ सुरवी यात्रा के दौरान जो हमें सबसे अच्छा लगा तुमने कहा ऊपर के ऐसा लगा आठ घंटे नौ घंटे तो सही माने में नौ घंटे आठ घंटे हमें पता भी नहीं पड़े हमें ऐसा लगा कि किसी ए, हवाई होटल में यात्रा कर रहे हैं <laughs> क्योंकि समय समय पर पानी <laughs> खाना चाय कॉफ़ी ये सारा आता रहा तो हमें ऐसा लगा किसी हवाई हो, होटल में यात्रा कर रहे हैं तो हमें बहुत ही सुखद रहा हमें कहीं कोई इन मामलों में दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो क्योंकि ए, इंडियन एयरलाइन थी पापा और मम्मी की इसलिए हम बोल सकते हैं कि हिंदी स्टाफ था सारा मतलब हिंदी में बात कर सकता था वेजिटेरियन खाना इन लोगों के लिए पहले से ही बुक कर दिया था क्योंकि दोनों वेजिटेरियन हैं तो पहले से ही बुक कर दिया था प्लस जो और दूसरे लोग थे जो वहाँ पर सफ़र कर रहे थे वो भी मतलब इंडियन ही थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी उस केस में अगर एक दूसरी कोई फ्लाइट होती है तो हो सकता है कि आपको हाँ ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलते एयर होस्टेस भी ज़्यादा हिंदी नहीं बोलती तो ये हो सकता था पर इसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जर्मनी की कनेक्टिविटी में कि कुछ जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर आती हैं जिसकी वजह से जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती एक, है एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं जो मेरे अनुभव में शायद बहुत सबको ध्यान रखने वाली बात थी वो ये कि जब हम यहाँ जर्मनी आए तो जो बैगेज के लिए हमें वो लेना थी ट्राली तो हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पे यूरो डालने के बाद ही वो ट्राली निकलती है ये हमें जानकारी में नहीं था अच्छा हम पे खुला यूरो था नहीं तो कंडीशन ये थी कि वहाँ वो एक का सिक्का डाले तब जाके हमें वो मिलना था तो कंडीशन ये रही कि हम एक दो पाँच मिनट के लिए थोड़ा परेशान रहे इतने में किसी यहीं के व्यक्ति ने हमारी परेशानी समझते हुए हमसे बात की कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो ये ये जिसने भी हेल्प करी वो थैंक यू सो मच और जी, अगर जी, आप जी, हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना ये पापा ये जो गलती है ये हमारी गलती है कि हमें कॉइन देना था क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर जितनी भी ट्रॉलीज़ होती हैं वो कॉइन से ही निकलती हैं और महत्व ये कि मैंने उन सज्जन को बोला कि यदि आप इंडियन करेंसी चाहें तो मैं वो दे सकता हूँ दस यूरो मेरे पास थे मैंने कहा आप चाहें तो ये ले लें खुला मुझे दे दे लेकिन उन्होंने थैंक्स कहते हुए कि नहीं नहीं कहीं दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं जो हेल्प कर देते अच्छे ही दे लोग हैं मेरा ये मानना है कि यहाँ सही माने में अच्छे लोग हैं अच्छे लोग इंडिया में भी हैं लेकिन यहाँ अधिकतर लोग मुझे तो लगे कि बहुत अच्छे हैं तो आप लोगों के लिए पेरेंट्स के लिए कि आप कॉइन रखो मतलब अगर आपके बच्चे आते हैं तो पहले से ही आप दो यूरो एक यूरो का कॉइन रखो या फिर टेन रुपीज का जो कॉइन भी है वो बहुत लगभग लगभग टू यूरो से मैच करता है कर लो नो 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 ये गलत है नहीं क्या मुझे मतलब साइज में लगा आई डोंट नो मैंने ट्राई नहीं किया पर मुझे साइज में ऐसा लगा कि दोनों ये ये गलत है हम पे थे लेकिन वो फ्रॉड ही के

एक चीज़ पापा यहाँ पर जो एयरलाइंस होती हैं वो देती हैं असिस्टेंस ठीक है असिस्टेंस वो होता है व्हील चेयर असिस्टेंस जो जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपने मॉम डैड के लिए जब पहली बार आते हैं तो वो करते हैं और उसमें क्या होता है आपको कुछ नहीं करना पड़ता कोई बंदा या बंदी एयरलाइन की तरफ से ही आपको सामान रखवाएगा सामान लेके आएगा बाहर तक छोड़ेगा इवन फ्लाइट में भी आपको लेके जाएगा तो आपको लगा क्या वो जरूरत है वहाँ पर ये जवाब है ना आपकी मम्मी <laughs> देंगी तो इतनी बोल्ड थी कि उनका ये कहना था कि नहीं हम जो भी करेंगे खुद करेंगे आगे बढ़ के सीखेंगे और लोगों को बताएंगे बताए अनुभव ये चीज़ हमारे बीच में बहुत आई कि आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा बस आपको एक व्हील चेयर दे देगी सारे सब कुछ वही लोग करेंगे लेकिन नहीं मैंने बोला नहीं ये फर्स्ट कॉन्फिडेंस यदि हम लेके गए तो आगे हमारे लिए रास्ते खुल गए हैं और हमने ये चीज़ें बहुत नोट भी की फ्लाइट में कि उन लोगों को कैसे लोगों को लेके जा रहे हैं और ये महसूस भी किया कि शायद ये लोग नहीं इतने बोल्ड हो पाए लेकिन नहीं हमने ये सोच लिया था कि नहीं हमें व्हील चेयर पर नहीं जाना है और जो कॉन्फिडेंस लेके हम पहली बार हमने यात्रा की है बहुत सुखद है और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर मुझे अकेले दस बार भी आना पड़ेगा ना तो मैं बहुत आराम से होंगी। <laughs> ये ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब ठीक है क्योंकि मुझे और दीपक को बहुत लग रहा था कि हम लोग आपको वो असिस्टेंस दे पाए ताकि आपको दिक्कत ना हो पर अगर उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया तो ये और भी अच्छी बात है लेकिन मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूंगी कि यदि बच्चे उस... इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने के लिए या हम लोग विदेशों में जा रहे हैं और वो वीडियोस दिखाते हैं कभी कभी चिड़ जाते हैं ये भी चिड़ गए थे लेकिन नहीं आप ध्यान से वो वीडियोस देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग ने एंट्री की फ्लाइट में करी या जो भी लेकिन हमें हर पल लगा कि अरे ये सब तो हमारा दिखा हुआ है ये बड़ा ईजी होता गया तो नहीं आप बिल्कुल वीडियोज़ पाँच बार छः बार सात बार देखिए और जैसा कि बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए तो मैं कह रही हूँ आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि म, पापा और मम्मी दोनों के पास स्मार्टफोन है और इन लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है जैसे वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं एयरपोर्ट पे या स्टेशन्स पे वो सब आता है प्लस व्हाट्सअप फ़ोन करना आता है या फिर किसी से वहाँ पर कॉन्टेक्ट मैसेंजर फेसबुक के थ्रू आता है तो वो उनको बहुत अच्छे से आता है तो कभी कभी क्या होता है जैसे अभी हमारा जो है वो इंडिया में बहुत लार्ज ऑडियंस है कुछ पेरेंट्स को इतने अच्छे से स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता तो मैं उनके बच्चों को बोलना चाहूँगी या उनको बोलना चाहूँगी कि आप जो है वो पहले से ही यहाँ आने से पहले से ही अपना जो फ़ोन है एक तो स्मार्टफोन ले लो और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जैसे जैसे यूज़ करते रहते हैं बहुत ईजी हो जाता है वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर लैंड करते हैं मतलब जर्मनी में लैंड करते हैं तो सबसे पहले आप कैसे कॉन्टैक्ट करोगे तो वाई एयरपोर्ट से कनेक्ट करके और फिर कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों से सुर भी ये इतना आसान था कि हम जैसे ही यहाँ पे उतरे तो यहाँ के एयरपोर्ट को हमने वाईफाई किया तो एक सेकंड में हो होगा हाँ, हाँ, और तो उस वाईफाई का ये फायदा हुआ कि तत्काल हमने तुमसे दीपक जी से संपर्क किया और संपर्क करने का मतलब ये है कि हाँ हम आ गए हैं तुम लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ दीपक जी को भी धन्यवाद देता हूँ अभी क्या है ना सबको नहीं आता इतने अच्छे से मतलब वाईफाई कनेक्ट करने में थोड़ा डर लगता है और वहाँ कैसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि सिम बंद हो जाती है यहाँ आते से तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो एक टिप है कि अगर आप जैसे यहाँ आने वाले हो तो पहले से अगर फोन यूज करना आता हो तो बहुत अच्छी चीज है ये नहीं तो सारे पेरेंट्स चाहे तो इंडिया के अंदर रेलवे फ्री है वहां जाके सीख ले ये दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होता है यहाँ भी ये बड़ा बड़ा हाँ, मसला नहीं। है, लेकिन इतनी बड़ी बात है, नहीं है, पर हाँ, एक चीज है जो नोटिस करने वाली बात है तो हम एक काम करते हैं अभी तो पापा मम्मी ने अपना पूरा बता दिया एक्सपीरियंस इंडिया से जर्मनी आने का अगर आप लोगों के कमेंट ज्यादा आते हैं और आपको इनका यहाँ का फर्स्ट लुक में इनको क्या लगा जर्मनी वो जानना चाहते हो तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे मस्त बाहर घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि अभी ऑटम आ गया है सब कुछ कलरफुल हो गया है तो इन लोगों से सुनेंगे कि इनको क्या क्या चीजें जो है वो बहुत अलग लगी बहुत अच्छी लगी और वो शायद इंडिया जाके वो चीज़ें जो हैं वो अडोप्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी मम्मी पापा थैंक यू यार आप लोगों ने भी नहीं। नहीं। हमारी ऑडियंस को हेल्प करा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही लोग बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा तो सुनते नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और इन दस दिनों में हमने क्या देखा ये हम आपको सुरभि के साथ अगले वीडियो में जरूर शेयर करेंगे वो कुछ अच्छी बातें आपको जरूर बताएंगे और हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे ब्लॉग्स आते रहेंगे तो वो वीडियो जरूर देखते रहना आज दीपक की थोड़ी सी तबियत खराब है इसलिए दीपक <laughs> इसमें नहीं है बट नेक्स्ट वीडियो में होपफुली वो भी आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में